ए घर में ढलन कर लाए भुंटी ल्याए कछु साली मार्सी बेटी फूल मामा होरी ए साली एक एक मिनट, अरे वो सफेद रंग वाली बस कहाँ गई? पहले एक तरफ ठेला गाड़ी सीमेंट के बोरे लेकर आ रहा था और दूसरे तरफ से सफेद बस, दोनों में टक्कर हो जाती है और इतने में बस गायब गायब ही नहीं, बस का पूरी तरीके से स्वाहा हो जाता है। कोई लॉजिक है? इसने साइंस का, फिजिक्स का और हमारे न्यूटन चाचा के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इतना भारी भरकम बस और छोटा सा नन्हा सा ठेला से टक्कर खा जाता है और ठेला जैसे का तैसे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। One eternity later. हम सब ने मूवी देखते हुए, मैच देखते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए एड को स्किप कर देते हैं। यही नहीं, एड स्किप करना हमारा हक बनता है। आज हम बात करने वाले हैं इलॉजिकल, नॉन लॉजिकल, इनवैलिड, अनजस्टिफाइड, अनप्रूव्ड, सेंसलेस, मीनिंगलेस एड के बारे में। जी हाँ, वही रणवीर सिंह का बेस्ट कैरियर प्लेटफॉर्म। एड के बीच में आने वाला आईपीएल, मेरा मतलब आईपीएल के बीच में आने वाला एड, थिएटर में मूवी देखते समय इंटरवल में आने वाला एड, यूट्यूब पे वीडियो चलने से पहले आ जाने वाला एड, एक नहीं दो दो एड, वो भी एक साथ। क्यों ना वो वीडियो एक मिनट का ही हो लेकिन उस पे एड 5 मिनट के आते हैं। कैडबरी बग, इट्स लाइट। माना कि लाइट है तो उसके ऊपर कुछ भी रख दोगे और वो हवा में उड़ने लगेगा। ये एडवर्टाइजिंग वाले जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये टट्टी स्क्रिप्ट लिखते समय पोटी कर रहे थे, लॉजिक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे एडवर्टाइजिंग बनाने से पहले अभी सोचा है साइंस स्टूडेंट और साइंस टीचर के ऊपर क्या बीतता होगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को कम से कम 12th तक साइंस लेकर पढ़ लेने दो। ये कॉमर्स लेकर ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उसे क्या ही पता ये देखकर न्यूटन और साथ ही साथ पूरा फिजिक्स कोने में बैठकर रो रहा होता है। मेरे बारे में कभी पूछा ही नहीं यार तूने। मैं चूतिया हूँ यार। अभिलाष प्लीज यार कॉफी ला दे। अभिलाष प्लीज यार पिक कर दे। अभिलाष रियलाइज हो गया यार तू बस फायदा उठाती थी। तूने मेरे बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तू कभी जानना ही नहीं चाहती थी। 5 minutes later. इम्पोर्टेंट एग्जाम है, अपना सेलो ना भूलना। हर सेलो पेन पास करता है 23 क्वालिटी टेस्ट, इसलिए हमेशा लिखे, कभी ना रुके। फिनिश सर। सेलो पेन। एग्जाम टाइम यानी सेलो टाइम। बकवास टाइम मतलब एड टाइम। इतना क्रिंज और बकवास एड कैसे बनाते हैं लोग? मैं तो एग्जाम हॉल में अपना पेन लेकर ना जाऊं। जितना मजा दूसरे के पेन से लिखने में आता है उतना मजा खुद के पेन से लिखने में कहाँ आता है? तुम एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, एग्जाम के पहले बुक खोलो या ना खोलो, क्लास में टीचर का लेक्चर सुनो या ना सुनो, इस एड के अनुसार ये सारे काम बकवास है। क्या तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं? क्या तुम्हें क्लास का टॉपर बनना है? अरे हाँ भाई हाँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, एग्जाम से पहले ये पेन खरीद लो और एग्जाम में टाइम से पहले सारे सवाल का जवाब लिख लोगे और समय से पहले कॉपी भी जमा कर दोगे। अद्भुत अद्भुत। कुरकुरे। ओए चोर। कुरकुरे। इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? लो बेटा तुम भी खा लो। मैं माजी। हो गया खत्म बेटा? नमस्ते माजी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, गाड़ी बुलवाई है। हाँ, गाड़ी। अब लगा मसाला। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एड देखने के लिए पहले वाले एड को स्किप करना पड़ता है।
गजब खराब व्यवस्था है। और इस एड के अनुसार चोरी करने के लिए पहले जितना हो सके एक्टिंग कर लो, जितना हो सके तोड़ फोड़ कर लो। डायमंड क्यों न पढ़ाओ घर में, लेकिन हमें सिल्वर चुराना है। इतने महंगे महंगे सामान पड़े हैं, लेकिन नहीं, हमें तो 10 रुपए के कुरकुरे खाने हैं। अगर पहले पता होता घर का ओनर ऐसा खूबसूरत ऐसे माल माल मालदार खानदानी लड़की के बारे में शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे। तो मैं हर दिन बार बार लगातार चोरी करने आऊं। कट कर देना प्लीज। एक मिनट, इतने सारे कुरकुरे वो भी एक पैकेट में, ये कब से आने लगा? हमारे यहाँ कुरकुरे में सिर्फ हवा ही होता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, जब यूट्यूब और स्किप करने की बात हो रही है तो जिंदगी में कुछ लोग यूट्यूब वाले एड की तरह होते हैं। समय देखो, स्किप करो और आगे बढ़ जाओ।